मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो। नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो। नानक चिंता मत करो,
खाना के हो करे विच उपाए शायरा तिना पिसार करे चिंता तिस ही है चिंता तिस ही मत करो चिंता मत करो मत करो मत करो चिंता मत करो नानक चिंता मत करो चिंतत ही दिस है सब कोए सब नू कोई ना कोई चिंता लगी होई है। सियाणियां दा कथन है ना चिंता चिखा बराबरी चिंता एक गंभीर रोग है। कहंदे सुने ने मैनू ते चिंता ने ले लिया है शायद यही तरस जोग साड़ी हालत देख के सतगुरु ए पावन उपदेश साड़ी झोली विच पा रहे ने। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है। तू क्यों करदा है चिंता जिन्ने भी जीव संसार ते निरंकार ने भेजे ने ना जमीन तो लैके आसमान तक जलां विच थलां विच जिन्ने भी जीव उस दाते ने भेजे ने उस करते नूं सारिआं दी चिंता है। प्यारिओ जो कुछ साडे कर्मां अनुसार सानू मिलना है ना ओना ही मिलना है ना साडे चिंता कीतिआं वध मिलना है ना घट मिलना है। साडे चिंता कीतिआं ते कुछ भी होण वाला नहीं फिर क्यों करिए चिंता फिर की करना है चिंतन करना है। अज दे कीर्तन दा विशा ही ए है चिंता नहीं करनी चिंतन करना है सिमरन करना है। जदों बचपन सी ना होश नहीं सी प्रभु दे चिंतन विच जुड़िया होया सी कह दिंदे हां बच्चे रब रूप ने। जदों बड़ा होया चिंतन छड़ दिता रब नालों टुट गया ते चिंता विच फस गया।
कदे धन दी चिंता, कार बिहार दी चिंता, धियां पुत्रां दी चिंता। सब तो बड़ी चिंता इस नू हो गई रोजी रोटी दी, वे पेट किवें भरना है। सब तो बड़ी चिंता इस नू ए हो गई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी विच भगत धन्ना जी तीन उदाहरणां दे रहे ने सतसंगियो, प्यार नाल सुनिए ते सारियां चिंता ही खत्म हो जांदियां ने। की कहंदे ने, जननी केरे उदर उदक मैं, पिंड किया दस द्वारा, देहारी अग्न मेरा खै, ऐसा खसम हमारा। हुण तेरे कोल बोल ने, तू बोल सकता है, तेरे कोल शब्द ने, तेनू गल कहण दा तरीका है, किसे नू अपनी चिंता दा इजहार कर सकदा है। एक गल मैनू दस, जदों तू मां दे गर्भ विच सी, ना तेनू बोलना आउंदा सी, ना तेरे कोल शब्द सी, ना तेनू कहण दा तरीका सी, तो उदों तेनू कौन पालदा सी। अज तेनू चिंता हो गई, उदों तेनू कौन पालदा सी। फिर किसे सवाल कीता, भगत जी मां खांदी है ते पुत्र नूं ही मिलदा है, तुसी कहंदे हो कौन पालदा सी। हां बई, ए वसीला भी ना होवे रब तां वी पालदा है, ओदी जिम्मेवारी है। अगली उदाहरण, कुंभी दल में तन तिस बार, पंख कीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। कछु कुमी अपने बच्चियां नू बार रेत ते जन्म देंदी है, ते आप जल विच चले जांदी है। ना उना बच्चियां दे खंब लगे ने, ना उना कोल कुछ खान पीन वास्ते है, उन्हां नू कौन पालदा है। निरंकार पालदा है, कुदरत दे निजम ने। कछु कुमी ध्यान धर दीए, बस उस ध्यान दे विचों उहदे बच्चियां नू खुराक मिली जांदी है। आप पानी विच, बच्चे बार रेत ते पल रहे ने। साडा मन कलजुगी जीव हा, बार बार सवाल पैदा हुंदे ने। भगत जी वसीला ते अजे भी है, मां ध्यान ते धर दीए ना। अगली उदाहरण भगत जी दे रहे ने, ए भी वसीला ना होवे रब दी जिम्मेवारी ये रोजी रोटी पचाउना, पाखान कीट गुप्त होए रहता, ता जो मार्ग नाही, कहे तन्ना पूर्ण ताहू को, मत दे जी डराई। पत्थरां विच भी जीव वसदे ने, ना कोई पत्थर दे विच राह है। आप जी ने शब्द सरवण कीता है, ना पत्थरां विच कोई दुकान चलदी है, ना कोई सौदे दा लैण देणे, ना पत्थर विच राह है, ते पत्थरां दे विच रहिंदे कीड़ियां नूं कौन रोजी देंदा है, उत्थे कौन उन्हां नूं बुराइयां देंदा है। हां प्यारियो, सहल पत्थर में जनते उपाए, तां का रिजक आगे कर तरिया। जिथे जिथे कोई बैठा है ना मेरे दाता जी, उथे ओदा रिजक पहुंचाई जांदे ने। ते सानू फिर कादी चिंता है। एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा है, इस दे विद्या गुरु इस नू मिलन वास्ते आ गए, ते राजा अपने विद्या गुरु नू दुखांदा है, ये महल मैं बना रहा।
आ जिन्ने भी मजदूर पत्थर ला रहे ने ना सब नू रोजी रोटी मैं ही देंदा हां। विद्या गुरु सियाणा सी, एक पत्थर दे टुकड़े नू चुकदा है ते राजे दे सामने तोड़ देंदा है, पत्थर विच्चों कीड़े निकल देने। राजन एक गल मैनू दस, जेड़े पत्थर ला रहे ने उना नू तू रोजी देंदा है, आ जेड़े पत्थरां दे बिच बैठे ने इना नू कौन रोजी देंदा है। हां प्यारियो, सब नू निरंकार रोजी देंदा है, नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो, नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो, नानक चिंता मत करो, अचिंत वसे मन आए, अचिंत वसे मन आए, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोविंद, चिंता नहीं चिंतन करना है, चिंतन तो पाप सिमरन करना है। श्री हजूर साहब जी दे मुख पजारी भाई नानू सिंह जी, एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे सुपन दर्शन होए ने। नानू सिंगा गुरुद्वारा नगीना घाट दे कोल कोई प्यार वाली रूह चिंतन विच जुड़ी है, कई दिन हो गए उन्हें प्रशादा नहीं छकिया, जा वे तू प्रशादा छका के आप जी सरवण करो, कि मैं मेरे निरंकार सारे जीवन की चिंता करता है। अमृत बेला होया, भाई नानू सिंह जी नित कर्म अनुसार अपना नितनेम सेवा सिमरन कीती, सुचे हथी प्रशादा तैयार करके गुरुद्वारा नगीना घाट कोल चले गए। आले दुआले देख रहे ने, कोई नजर नहीं आया, थोड़ा होर अगे हो गए ने, जदों सामने नदी वल नू चात मारी है, थोड़ा थोड़ा पानी है, उस थोड़े पानी दे विच खलोता कोई सिमरन करता है, कोई प्यार वाले रूह रब नाल जुड़ी हुई है। भाई नानू सिंह जी प्रशादा हाथ च पकड़िया है, अगे नू हो गए ने, जदों कोल जाके दर्शन कीते ने, कौन है? संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले पानी विच खलोते सिमरन कर रहे ने। भाई नानू सिंह प्रशादा रख के कोल बैठ गए, जदों बाबा अतर सिंह दी नेत्र खोल दे ने, भाई नानू सिंह आ, मैं ते बड़ा अकांत विच छुप के बैठा हां, तैनू किने इत्थे भेजिया है? नानू सिंह जी कहण लगे, महापुरशो, जिस प्यारे दे चिंतन विच जुड़े हो ना, उस कलगिया वाले नू चिंता हो गई है, कई दिन हो गए ने तुसी प्रशादा ही नहीं छकिया, मैं प्रशादा लेके आया। जिदे चिंतन विच जुड़े हो ओनू चिंता हो गई है,
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ, ਮਤ ਕਰੋ, ਮਤ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ, ਮਤ ਕਰੋ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ, ਮਤ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ, ਮਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਾ ਦੇਵੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਾ, ਇਹਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੱਥ ਧੁਆਏ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਿਰਤ ਕਾਣੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਛਕਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਥਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਉਠਾ ਲਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਐ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਏ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਕ, ਰੋਕ ਰੁਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭੇਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਏ,
फिर जेड़े चिंतन करनगे रोटी रोजी ते मिलनी है खरिया रब ने उन्हां नूं किन्ने सुख दे देने खबरे किन्नियां रहमतां कर देनियां ने। इसे लई अज दे कीर्तन विच यही उपदेश झोली विच पै रहा है चिंता नहीं करनी चिंतन करना है चिंता नहीं करनी सिमरन करना है जां को टेक तुम्हारी स्वामी तां को नहीं चिंता मत करो चिंता मत करो नानक चिंता मत करो चिंता मत करो।